अभी इसको दफनाने जा रहे हैं। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों आज हमारा शेरू मर गया। काफ़ी दिन से बीमार था दोस्तों, 2-3 दिन से बीमार था। हमने उसको बचाने की भी कोशिश करी लेकिन वो नहीं बच सका। दवाइयाँ भी दी थी हमने उसको लेकिन वो ठीक ही नहीं हो पाया। पता नहीं कौन सी बीमारी थी कि हमारा शेरू मर गया। इंशाल्लाह दोस्तों हम एक और मुर्गा लेके आएंगे अपने असील मुर्गियों के लिए। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। जो हमारे चूज़े निकले थे माशाल्लाह से, अभी हमने इनको दाना दिया, दाना खा रहे हैं और थोड़ा सा दाना इससे भी चला गया। पानी भी देंगे अभी हम उसको। और हमारे 7 चूज़े निकल चुके हैं और बाकी के अंडे हमारे दूसरी मुर्गी के नीचे हैं। और दोस्तों कुछ ख्वाब भी हो गए थे, हमने उनको फेंक दिया। और ये माशाल्लाह से दोस्तों ये दोनों मुर्गियाँ आपस में देखें कैसे रह रही हैं। मैंने रखा था, मैंने एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट मेरा कामयाब हो गया। ये हमारी मुर्गियाँ दोनों लड़ती नहीं आपस में, वरना बाकी मुर्गी लड़ती है आपस में। और हमारी मुर्गी दोनों एक साथ रहती हैं, सारे बच्चे एक साथ पाल लिए हैं माशाल्लाह से। हम आपको ये बड़े वाले चूज़े दिखाते हैं, ये भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए और बहुत एक्टिव है। देखें हाथ भी नहीं आते, अबे हाथ में देखें परवर सब निकल रहे हैं, परवर सब निकल रहे हैं इसके। इसमें ही पानी इन्होंने गिरा दिया, ये हम पानी भी देते हैं। और आपको दिखाते हैं कि बाकी अंडे जो हमने उठाए ऊपर जाओ यहाँ से। ये हमारी मुर्गी जिसको हमने बिठाया हुआ है बाकी अंडे, और ये तो टूट, ये भी टूट गया, इसमें से ही बच्चा निकल रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए चूज़े की आवाज़ भी आ रही है। जैसे जैसे इसमें से चूज़े निकलते रहेंगे वैसे हम ट्रांसफ़र करते रहेंगे उधर मुर्गियों के पास। और इसको तो अभी टाइम है, उसको गर्मी देखें कितनी है कि प्यास से बिल्कुल। इसको हमने पानी भी रखा था, गला खुश्क हो रहा है बिल्कुल, वो भी देखें सरते गले को हिला रही है गर्मी की वजह से। आज गर्मी काफ़ी है दोस्तों। और ये हमारा मुर्गा घूम रहा है। दोस्तों आपके लिए एक सरप्राइज है कि हम कल मार्केट गए थे तो हमें इसका एक जोड़ा लेके आए तोते का, बजरी तोते का। और हम एक डायमंड डफ के जोड़ा लेके आए, उसके सामने बैठा हुआ दोस्तों। वाइल्ड डफ थी ना, फाख्ता थी, वो हमने बेच दी है। ये दोस्तों तीनों के तीनों नर थी, तो अंडे बच्चे हमारे पास आ नहीं जाते, सिर्फ बाजरा खा रही थी मुफ्त में, तो हमने उनको जाके दे दी। और हमने उनकी जगह ये ली है, डायमंड डफ का एक जोड़ा और ये बजरी का। और इनका भी दाना है, दाना पानी इनका भी रखा हुआ है। और हमने ये कटोरी भी ली पानी की, वरना पानी में क्या होता है, हम इधर पानी रखते थे तो पानी गंदा हो जाता था, एक दिन में हमें चेंज करना पड़ता था। अभी देखें अभी 2-3 दिन चल जाएगा आराम से पूरा भर, इनके पास तो 2-3 दिन चल जाएगा, तो हमें टेंशन नहीं पानी की कि पानी गंदा हो जाए।
और हम अपने बाकी मुर्गियों को पानी दे देते हैं, उनके घर पानी नहीं है। और खुश बाहर आ रही है, हटो भाई, चलो कोई आराम आराम से, थोड़ा सा पानी को देते हैं। चलो भाई बंद करो, चलो अंदर जाओ भाई, तुम इनको भी थोड़ा सा पानी दे दो। चूजे हैं, चलो भाई इनको भी पानी दे दिया। हमें छोटिया की मुर्गी नज़र नहीं आ रही है, दो दिन से अंडा नहीं दे रही दोस्तों, तो ये घूम रहा ही था। छोटिया की मुर्गी कहाँ है, और ये भी देखें पूरी प्यासी हो रही है इधर बैठी हुई। चलो निकले जाओ सर, चलो आ जाओ, आ जाओ भाई, अरे बाहर आ जाओ, हटो निकालते हैं इसको, चलो आ जाओ, तो दाना वाना खाओ, तो दाना वाना खाओ, आओ आ जाओ, इसको भी हम थोड़ा दाना दे देते हैं। हमने डब्बे बना लिए दोस्तों ऐसे, चलो ये लो खाओ, हाथ से दिखा रही, चले खा लीजिए। हमने ऐसे बाजरों के डब्बे बना लिए, हमारा बाजरा अब सेफ रहता है, वरना इधर क्या होता था दोस्तों, हम इधर रखते थे पहले, इधर कोई गिलहरी वगैरह आके या फिर कोई मुर्गी वगैरह चढ़ के ना सारी थैली वगैरह सब फाड़ देती थी। हमने देखें पहले भी रखा हुआ, देखें आपको कुछ दिख रहा होगा, दाना पानी गिरा हुआ है, दाना गिरा हुआ इधर, और हमारे अंडे जो हमने सेव करा हुआ थे इधर, वो हमने नीचे जा कर रख दिए, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत है ना दोस्तों, कि गर्माइश की वजह से ख़राब ना हो जाए कहीं वो, तो हमने जाके नीचे रख दिए। और बाकी ये पालक वगैरह हैं, मैं लेके आया था अपनी मुर्गियों के लिए, तो हम अभी हम इनको ये भी डालेंगे। और बाकी ये कीड़ों की दवाई है, हमारा मुर्गा बीमार हुआ था ना, तो हमने बाकी मुर्गियों को बीमारी ना लगे, हमने इधर कुपैक्स पाउडर वगैरह छिड़का है कि बाकी मुर्गियों में बीमारी ना फैले। ख़ासतौर पे दुआ करिएगा दोस्तों कि हमारे छोटे मुर्गे, छोटे चूज़े और वाले चूज़े में बीमारी ना फैले। आज की वीडियो बस दोस्तों यही तक थी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करिएगा। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू माय चैनल।